गाइस कुछ ही टाइम से बहुत ही ज्यादा खबर मिल रही थी कि BGMI अनबैन होने वाला है। तो काफी टाइम से ये न्यूज़ चल रहा है और आज फाइनली यहाँ पर जो प्ले स्टोर पे BGMI आ भी चुका है। अभी देखिए क्या हो रहा है, कुछ लोगों के प्ले स्टोर पे BGMI शो कर रहा है और कुछ लोगों के प्ले स्टोर पे BGMI शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर से मैं लिखकर सर्च करता हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो यहाँ पर से मैंने जैसे ही सर्च किया तो अभी आप देख सकते हो मेरे प्ले स्टोर पे ये शो नहीं कर रहा है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए गाइस मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पर जो स्टेटस लगा रखा है उसके प्ले स्टोर पे शो कर रहा है। तो मैं अभी आपको देखिए ऑन करके यहाँ पर व्हाट्सएप को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड ने एक ने यहाँ पर लगाया हुआ है आ गया करके यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है डाउनलोड करते हुए। तो अगर आपके प्ले स्टोर पे ये BGMI नहीं आ रहा है तो आप कैसे इसको अपने प्ले स्टोर पे ला सकते हो, आज की वीडियो में आपको यही मैं यहाँ पर जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे अगर आपका BGMI आपके प्ले स्टोर पर नहीं आ रहा है तो कैसे आप उसको अपने प्ले स्टोर पर ला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर से, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर से आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर से देखिए क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से सर्च बार में आपको लिख करके सर्च करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। जैसे आप ये लिख करके सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट में ये वाली वेबसाइट आ जाएगी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर से आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद गाइस यहाँ पर से आपको गेट ऑन प्ले स्टोर पे यहाँ पर आपको लिख कर देना है, यहाँ पर से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर में, यहाँ पर से आप इसको सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर से देखिए आप प्ले स्टोर में आ चुके हो और यहाँ पर से आप इसको अभी प्ले स्टोर से ही डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे।